हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं मार्केट रैपअप की कि आज मार्केट में क्या क्या हुआ, जो निफ्टी गिरा और सेंसेक्स गिरा, क्या क्या मेजर रीजंस थे, कौन कौन से स्टॉक्स ऊपर नीचे हुए, उसके बारे में इस सेशन में हम बात करने वाले हैं। तो मार्केट ऑब्वियसली स्टार्ट तो ऊपर हुआ था, गैप अप स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स मोस्टली पॉजिटिवली क्लोज हुए थे। रीज़न बीइंग कि यूएस का जो इन्फ्लेशन नंबर है वो एक एक्सपेक्टेशन के आसपास आया था, तो उसकी वजह से यूएस मार्केट्स अप थे और इस वजह से इंडियन मार्केट्स भी एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पे शुरू हुए। लेकिन जैसे 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 दिन जाता रहा तो रेड कलर जो है अपॉर्चुनिटीज़ वाला वो आता रहा और एंड में फाइनली निफ्टी जो है वो डाउन बंद हुआ 0.42 और सेंसेक्स ऑलमोस्ट 0.6% नीचे बंद हुआ। ठीक है, तो मेजर क्या क्या डिफरेंसेस रहे, क्या क्या कंपनीज के पॉजिटिव नेगेटिव रहे, वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो मेजरली जो सबसे बड़ा डाउन रहा वो निफ्टी बैंक में, मतलब बैंकिंग सेक्टर जो था मेजर ड्रॉडाउन रखा उसने, तो 0.9% जो है वो ऑलमोस्ट निफ्टी बैंक नीचे रहा। रीजंस वही हैं, बैंकिंग सेक्टर में जैसे जो ग्लोबली एक हेडविंड्स चल रही हैं आफ्टर SVB एंड ऑल दीज थिंग्स, और इंटरेस्ट रेट्स जैसे जैसे हाइक की बात हो रही है, इन्फ्लेशन हर जगह अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से एक बैंकिंग सेक्टर में स्ट्रेस है। और बैंकिंग सेक्टर में क्या है ना, फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी काफ़ी अच्छा खासा होल्ड है इंडिया में, है ना। तो और FIIs कंसिस्टेंटली इंडिया से दे आर टेकिंग आउट मनी, अगर हम लास्ट कल का भी देखें, परसों का भी देखें, राइट, तो दे हैव बीन टेकिंग आउट मनी कंसिस्टेंटली फ्रॉम द मार्केट्स, मेजरली बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट इन यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो वहाँ पर उनको लग रहा है कि यार रिस्क फ्री इतने अच्छे खासे 4-5% की यील्ड मिल रही है, तो हम कहाँ पर पैसा और क्यों कहीं पर पैसा रखें। तो इस वजह से ऑब्वियसली एक FIIs का आउटफ्लो इमर्जिंग मार्केट से या ग्लोबल मार्केट से चल रहा है टूवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स, विच इज़ वेरी वेरी रिस्क फ्री, मतलब एक माना जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से मेजरली बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस वगैरह, उसमें से भी लगातार उसमें फॉल चल रहा है और मेजर बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में भी लगातार फॉल चल रहा है। देयर हैज़ बीन नो रीज़न एज सच कि कुछ प्रॉब्लम है क्या रिलायंस में, या कुछ प्रॉब्लम है क्या HDFC बैंक में, या कोई भी बैंक में इंडिया के, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स हैं, क्लियर अर्निंग विजिबिलिटी है, क्लियर ग्रोथ पाथ है, सब कुछ सही है, NPS नंबर भी अब तो बहुत कम हो गए हैं, तो वो सब चीज़ों की वजह से कोई ऐसी प्रॉब्लम आप मत सोचिए कि नहीं नहीं मार्केट में कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब मुझे बेच देना चाहिए, कुछ इशू है, कुछ भी नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स पे जो है ना मार्केट प्ले करता है, बहुत सारी चीज़ों पे, मतलब अलग अलग थॉट प्रोसेस से और अलग अलग ओपिनियन से मार्केट चलता है, तो इसलिए शॉर्ट टर्म में प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए, अपने फंडामेंटल्स पे फोकस करना चाहिए, उसी के हिसाब से करना चाहिए। निफ्टी मेटल जो है, मेटल सेक्टर में एक अच्छा उछाल आया ऑलमोस्ट 1.8% का। ठीक है, तो उसका मेजर रीज़न ये था कि चाइना ने बोला कि फिर से हम एनुअल स्टील प्रोडक्शन अपना कम करेंगे, दे आर अगेन कटिंग डाउन देयर स्टील प्रोडक्शन मेजरली। क्यों? क्योंकि कार्बन एमिशंस का उनका कुछ एक मैंडेट लिया है उन्होंने और उनको कार्बन एमिशंस कम करने। अब जैसे जैसे चाइना अगर स्टील प्रोडक्शन कम करता है तो इंडिया प्लेज अ बिग रोल, राइट, क्योंकि इंडिया में स्टील सेक्टर इज़ वेरी गुड, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स। ठीक है, और इंडिया एक्सपोर्ट भी कर सकता है और कब सबसे नंबर टू सबसे बड़ा प्लेयर भी है, तो इसकी वजह से जो और जो मेटल स्टॉक हैं जैसे जिंदल स्टेनलेस स्टील हो गया, जिंदल स्टील हो गया या और टाटा स्टील हो गया, ये सब स्टॉक्स अच्छा खासा एक उछाल आया, क्योंकि अब एक बार डोमेस्टिक डिमांड अगर एक बार सही से चल रही है तो गवर्नमेंट अलाउज देम। ठीक है, तो उसमें जो एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह है वो सब खत्म करके गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई हमारा अगर डोमेस्टिक डिमांड सही से तुम फुलफिल करते हो, ठीक है, तो वो सब चीज़ें मैनेज करते हैं तो हम इजीली एक्सपोर्ट्स भी अलाउ करते हैं, तो इसलिए एक्सपोर्ट और अच्छा खासा पैसा मिलता है क्योंकि ग्लोबल स्टील प्राइसेस आर स्टिल एट डिसेंट लेवल्स। तो इस वजह से ये स्टॉक्स जो हैं बड़े हैं, क्योंकि अगर चाइना कम करता है विच इज़ वेरी वेरी बिग प्लेयर, ठीक है, इन ग्लोबल स्टील इंडस्ट्री, तो वहाँ पर सबसे बड़ा कंजम्पशन भी वहीं होता है और सबसे बड़ा प्रोडक्शन भी वहीं होता है। ठीक है, तो वो अगर अपना प्रोडक्शन कम करता है तो ऑफकोर्स द एक्सपोर्ट्स इन इंडिया वुड इंक्रीज फ्रॉम स्टील सेक्टर परस्पेक्टिव। क्रूड ऑयल जैसे जैसे कम हो रहा है, राइट, अब 76-77 पे चल रहा है ब्रेंट क्रूड बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स, ग्लोबल फैक्टर्स, SVP का फॉल एंड एक स्लो डाउन का जो एक्सपेक्टेशन हो रहा है कि भाई ग्लोबल एक स्लो डाउन होएगा, US विल गो इन अ रिसेशन या फिर काफ़ी स्लो डाउन हो जाएगा, उसकी वजह से डिमांड वहाँ से कम हो जाएगी, तो एक क्रूड ऑयल में थोड़ा सा
गिरावट आई है, तो उसकी वजह से पॉजिटिव जो होता है, क्योंकि क्रूड ऑयल जैसे गिरता है, बहुत सारी हमारी सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जो क्रूड ऑयल एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करती है बहुत ज़्यादा, राइट, स्पेशली पेंट्स बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है, तो उस सेक्टर में एक अपाया एशियन पेंट्स ऑलमोस्ट 3.11% अप था। मैक्वायरी की एक रिपोर्ट भी आई है, उनके ऊपर जो एनालिस्ट हैं उन्होंने भी बोला है कि भी ग्रासिम की जो एंट्री है, जो एक बिग बैंग एंट्री की बात चल रही थी ऑन पेंट सेक्टर, तो उन्होंने कहा, उन्होंने थोड़ा सा उसको ट्रिमर डाउन किया एक्सपेक्टेशन को कि भाई इट विल नॉट हैव मेजर इम्पैक्ट एटलीस्ट ऑन एशियन पेंट्स, ठीक है। तो इसकी वजह से ओवरऑल एक पेंट सेक्टर में थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड था आज। KPIT वॉज अप बाय ऑलमोस्ट 8.22% टूडे, ठीक है, इन द मार्केट विच वॉज डाउन। तो मेजर रीज़न, अगेन वो तो क्लियर रीज़न था कि होंडा के साथ दे हैव डन सम, मतलब दे हैव गॉट अ क्लाइंट एज होंडा, ऑब्वियसली दे आर ए वेरी ऑटो सेक्टर ओरिएंटेड कंपनी, टेक कंपनी, ठीक है। तो होंडा के साथ काफ़ी बड़ी उनको डील मिली है टिल 2030 फॉर देयर सॉफ्टवेयर डिफाइंड मोबिलिटी जर्नी, ठीक है। तो वो काफ़ी बड़ा उनके लिए डील है, दे आर सेइंग इट इज़ बिगर डील। एक उन्होंने रेनो के साथ किया था लास्ट ईयर, तो दे आर सेइंग इट इज़ अ बिगर डील दैन दैट, सो दैट्स वाई इट इज़ अप बाय 8.22% टूडे, एंड इट्स अ मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉक एज वेल, ठीक है। तो आई एम हैप्पी अबाउट इट, ठीक है। IEX भी आज 4.3% अप था, अगेन अ मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉक, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, हाई प्राइस डे अहेड, एक मतलब उनका एक ट्रेडिंग का एक अलाउ किया गवर्नमेंट ने, एंड दे हैव स्टार्टेड अ ट्रेड इन अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ पावर, ठीक है। तो इसकी वजह से वो अप था। पेज इंडस्ट्रीज वॉज अप टूडे मेजरली बिकॉज ऑफ ए मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट, ठीक है। दे हैव गिवन अ ओवरवेट रेटिंग टू इट, ठीक है, और अच्छा खासा एक मेरे ख्याल से कुछ 10-15% का अपवर्ड टारगेट पेज इंडस्ट्रीज जॉकी, राइट, उसको दिया है, ठीक है। एंड वेरी वेरी गुड कंपनी ओवरऑल फंडामेंटली इन अ रिटेल सेक्टर, ठीक है। आई एम श्योर दैट यू गाइज आर मतलब यू नो अबाउट इट, द वे द जॉकी हैज़ इंक्रीज्ड एंड द सेगमेंटेशन जैसे जैसे उन्होंने इंक्रीज किया है फ्रॉम मेन टू वुमेन टू चिल्ड्रन, राइट, तो उस तरह से भी उनका काफ़ी अच्छा खासा एक डाइवर्सिफिकेशन आया है फ्रॉम दैट सेगमेंट परस्पेक्टिव ऑल्सो, ठीक है। तो ये सब हुआ। लास्ट न्यूज़ जो है वो है अदानी पे। अदानी स्टॉक्स स्टार्टेड विद डाउन और एंडेड काफ़ी अच्छे, मतलब पॉजिटिव पे एंड हुए सभी स्टॉक्स। देयर वाज नो मेजर न्यूज़ एज सच, राइट। एक यही है कि CNBC ने उनको एक नोटिस, मतलब एक क्वेश्चन पूछा था ऑन की अंबुजा और ACC जो है वो किसकी कंपनीज हैं, इज़ दिस मतलब ब्रदर ऑफ अंबानी और इज़ दिस अदानी ग्रुप कंपनी, तो द रिप्लाई वॉज कि इट इज़ अदानी ग्रुप कंपनी। तो देर वॉज सम मतलब दैट वॉज द ओनली थिंग, एंड देन देर वॉज अदानी पावर पे भी कुछ बल्क डील्स एक 1 or 2 o'clock हुई थी। अगेन एज आई सेड, वेरी वेरी हाई स्टॉक विच और अ ग्रुप, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वोलाटिलिटी चल रहा है, वेरी वेरी हाई वोलाटिलिटी। तो प्लीज़ बी स्टे अवे फ्रॉम दिस काउंटर एज ऑफ नाउ, लेट सी हाउ थिंग्स गोज। अगर आपको करना है तो वेरी एनी वेज वैल्यूएशन आर स्टिल मोस्ट ऑफ द कंपनी जो भी अदानी की हैं और वेरी वेरी हाई, ठीक है। तो आप अगर देखना है, उसको सोचना है, तो इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो अभी तो एटलीस्ट यू शुड जस्ट बी वॉचफुल एंड नॉट इन्वेस्ट एट दिस टाइम, आई वुड से, ठीक है। यार अगर आप मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर्स हैं तो आप, आई एम श्योर, आप काफ़ी क्लोजली मतलब हमारे पोर्टफोलियोज को देख सकते हैं और किस तरह से हम फंडामेंटल थॉट प्रोसेस से वो करते हैं, ठीक है। तो वो हम क्या कहते हैं, मतलब इन सब स्टॉक्स से जो बहुत हाई वोलेटाइल है, जिसमें गवर्नेंस के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं, इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम देन फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, हम जैसे जो तुच्छ प्राणी हैं उनके लिए ये है, ठीक है। सो दैट वॉज द मेजर रैप अप। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस, आपको लगता है कि कुछ चीज़ मैंने मिस की है, राइट, तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। एज आई सेड, मेजरली ग्लोबल फैक्टर्स और कुछ ऐसा स्पेसिफिकली फंडामेंटल कुछ इशू ऐसे इंडियन मार्केट में है क्या, उसकी वजह से मार्केट गिर रहा है, कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। अर्निंग अच्छी खासी है, विजिबिलिटी दे आर कंसिस्टेंटली अर्निंग ग्रोथ हो रही है। रॉ मटेरियल प्राइसेस का जो इशू था लास्ट ईयर था, कमोडिटी प्राइसेस वगैरह का, वो भी काफ़ी रिड्यूस हो रहा है और इस क्वार्टर के रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी गुड फॉर मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स। बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर इज डूइंग वेरी वेल। तो सब चीज़ें मतलब ओवरऑल देर हैज़ बीन नो मेजर इशू, यही है कि हमारी मार्केट लास्ट ईयर काफ़ी अच्छी करी और ग्लोबल मार्केट के विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूएशन कंसर्न्स एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड US मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट्स हाई है, वही सब चीज़ें मेजरली मार्केट पे हावी चल रहा है। दैट इज़ ऑल, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, जय हिंद।